दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पोटैटो पिलर मशीन के बारे में दिखाने जा रहा हूँ। ये जो है हमारी पोटैटो पिलर मशीन जो है एमटी अच्छे से चलता है, जब हम लोड डालते हैं तो ये नहीं चलता क्योंकि इसका थोड़ा बेयरिंग वगैरह का प्रॉब्लम है। तो इसको मैं खोल लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं इसको खोल लिया हूँ। इसका जो ये यूनिट है पूरा शाफ्ट और मोटर के साथ में पुल्ली वगैरह सारा लग के होता है। तो ये देखिए, इसके मैकेनिकल सीर पूरा डैमेज हो गया है। ये डैमेज होने की वजह से इसका पानी जो है ना लीकेज होके ये बेयरिंग को भी ख़राब कर दिया। ये इसका शाफ्ट है, मैं शाफ्ट निकाल लिया। निकाल लेने के बाद अभी इसके बेयरिंग्स को भी मैं निकाल लेता हूँ। ये इसका जो निकाला हूँ सेट वो वाला है, ये इसका नीचे वाला बेस है। ये देखिए, इसका जो बेयरिंग जो है पूरा डैमेज हो गया है। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में। तो दोस्तों, हमारे पास जो है एक नई मैकेनिकल सील रिक्वेस्ट किए थे। ये नई मैकेनिकल सील और ये तीन बेयरिंग आए हुए हैं। अब ये तीन बेयरिंग जो है, दो बेयरिंग इसमें लगेंगे और एक बेयरिंग जो है इसके अपोजिट साइड में लगेगा इधर। तो मैं ये तीनों दो बेयरिंग जो है इधर लगा लेता हूँ अभी, और ये वाला बेयरिंग जो है पीछे लगा के, और ये मैकेनिकल सील जो लगेगी इधर इस साइड में इस तरह से लगेगी। ओके, मैं सारा फिट करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने ये दो बेयरिंग इसके अंदर लग गए, दो बेयरिंग इसमें लगे और एक बेयरिंग जो है इसकी अपोजिट साइड में लग गया। अब जो इधर जो लगेगा ना, ये मैकेनिकल सील जो है, जब शाफ्ट ये वाली शाफ्ट लगाने के बाद में ये व्हील के साथ में, तो ये इस तरह से लगेगा मैकेनिकल सील। इस तरह से मैकेनिकल सील ये लग जाएगा। अभी मैं ये शाफ्ट लगा लेता हूँ इसमें। तो दोस्तों, ये देखिए, ये शाफ्ट और व्हील इस तरह से लग गया है ये बेयरिंग में लग के। अब इसके ऊपर जो है ये इस तरह से, ये मैकेनिकल सील जो है इस तरह से लगेगा। ओके, तो ये मैकेनिकल सील भी लग गया है दोस्तों। अब इसके बाद में जो है, अब यहाँ पर हमें मोटर को फिट कर लेते हैं। ये मोटर को जो है, इसकी मोटर को फिट करके है ना, इसके बाद में इसके सेट में जो है इसको डाल के सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसकी मैंने मोटर पूरे फिट कर ली है। मोटर के नट वगैरह सब टाइट हो गए और इसके बाद में बेल्ट लग गए हैं। ये बेल्ट लगने के बाद में जो है ये मैकेनिकल सील जो है इस तरह से बैठेगा, और इसके बाद में ये जो है लॉक बैठेगा इस तरह से। इसके अंदर एक मैं लॉक डालना है, पिन लगेगा एक इसमें जो इसके साथ में शाफ्ट के साथ में घूमेगा। और इस तो और एक दूसरा काम है दोस्तों, इसका जो गैस्केट जो है ये पूरा ख़राब हो गया है। अब मैं गैस्केट नहीं है तो इसीलिए मैं अब सिलिकॉन लगा के है ना इसको, ये नट बोल्ट के साथ में फिट हो जाएगा इसके अंदर। इधर भी मैं सिलिकॉन लगा देगा। लगा लेने के बाद में जब फिट करेंगे तो ये गैस्केट का काम करेगा। इसके अंदर जो पानी है, जो पानी जो है इसके मोटर में नहीं आएगा। तो देखिए, मैं इसका थोड़ा सिलिकॉन लगा लिया हूँ यहाँ पर भी और इसमें भी। अब लगा के जो है ये मोटर का पूरा सेट जो है इसमें मैं ड्रम में फिट कर लूँगा। उसके बाद में सारे इसके नट बोल्ट टाइट कर लूँगा। तो देखिए दोस्तों, इसके सारे जो नट जो है मैं टाइट कर लिया हूँ। अब टाइट कर लेने के बाद में जो है इसका जो नीचे वाला जो बेस है वो फिट कर लेना है, और फिट कर लेने के बाद में इसके ड्रेनेज पाइप और वाटर लाइन का पाइप जो है सारा फिट कर लेना है। तो दोस्तों, हमारी ये पोटैटो पीलर जो मशीन जो है रेडी हो चुकी है अभी। ये देखिए, अब इसके मैं कनेक्शन लगा लिया, सारा कुछ हुआ। इसके कनेक्शन जो है इसके टाइमर के साथ में और लगा लिया हूँ। ओके, तो अब इसको चला करके देखते हैं।